नमस्कार दोस्तों, महानायक अमिताभ बच्चन इन दिनों सूरज बरजात्या की फिल्म ऊंचाई की शूटिंग कर रहे हैं। ऊंचाई नाम से ही लगता है कि ये फिल्म किसी ऊंचे स्थान या किसी ऊंचे मोरल पर बनाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आज मैं ऊंचाई फिल्म से संबंधित सारी बातें करूंगा और ये भी बताऊंगा कि किस तरह महानायक अमिताभ बच्चन अपने एनर्जी को बनाए हुए हैं, जो दूसरों के लिए प्रेरणादायी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश से, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें, धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सूरज बरजात्या अक्सर दोस्ती वाले फिल्म बनाने के लिए फेमस है। उनकी सभी फिल्में में कहीं न कहीं कोई न कोई जिगरी दोस्त होगा। तो ये फिल्म भी चार दोस्तों की कहानी है और उन चार दोस्तों में महानायक अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, डैनी डेंजोप्पा और बोमन ईरानी, ये चार दोस्त जो लगभग एक ही उम्र के हैं, वे सभी निकल पड़ते हैं हिमालय की ऊंची चोटियों के ट्रैकिंग के लिए। इस कहानी में आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से ये चार उम्रदराज लोग हिमालय की ऊंची चोटियों के सफ़र में निकल पड़ते हैं और पहुंच जाते हैं माउंट एवरेस्ट। और ये सब में तमाम परेशानी आती है, तमाम दिक्कत आती है, और जिसमें एक टूरिस्ट गाइड परिणीति चोपड़ा उनको रास्ता दिखाती है। तो दोस्तों, ये फिल्म की कहानी मात्र चार लाइन में सिमट कर नहीं रहती है। ये फिल्म आपको पूरी तरह से ये सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि किस तरह से इस उम्र में भी लोग इतने एनर्जेटिक होते हैं। तो दोस्तों, ये फिल्म एक मोटिवेशनल फिल्म होगी और आपको बहुत ज़्यादा इंटरटेन भी करेगी। सबसे खास बात है दोस्तों इस फिल्म की कि सूरज बरजात्या ने ये फिल्म ओरिजिनल लोकेशन पर ही शूट करना शुरू किया है और अभी इसकी शूटिंग चल रही है नेपाल के खूबसूरत इलाकों पर, काठमांडू एयरपोर्ट पर, काठमांडू के आसपास के इलाकों में तथा हिमालय के खूबसूरत लोकेशनों पर इसकी शूटिंग चल रही है। माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक है, उसके आसपास के इलाकों पर। तो ओरिजिनल और बहुत ही दुर्गम रास्तों पर चलने वाली शूटिंग में अमिताभ बच्चन अपना एनर्जी बनाए हुए हैं, साथ ही साथ अनुपम खेर, बोमन ईरानी और डैनी डेंजोप्पा भी उसका साथ दे रहे हैं। दोस्तों, ऊंचाई फिल्म आपके जीवन के, आपके सोचने के ढंग को अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ये फिल्म देखने के बाद आपको लगेगा कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। और सबसे खास बात है दोस्तों कि इस फिल्म में नेपाल के भी कुछ लोकल लोगों को सहायक एक्टर के रूप में रखा गया है। तो दोस्तों, ऊंचाई के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप भी अपना विचार कमेंट कर जरूर रखें। धन्यवाद।